Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. And God bless you this morning as you give yourself a few minutes to be silent in the presence of God to hear His voice. और यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को अभिनंदन. परमेश्वर आपको आशीष दे जबकि आज की सुबह के मनन में आप जुड़े हैं और कुछ क्षणों को लेकर शांति से हम उसके आवाज को सुने. Now starting from part 9. और जबकि हम आज के दिन नौ भाग को देख रहे हैं which starts from Matthew chapter 5 verses verse 9 through verse 12 और जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके पांचवें अध्याय के नौ पद से बारह पद तक हम देखते हैं. Now these three verses or four verses are on a different topic. और ये तीन या चार जो पद है ये अलग एक विषय को लेकर है. द फर्स्ट एट पार्ट्स वी मेडिटेटेड ऑन हु आर द ब्लेस्ड वंस. और पहले आठ पदों को हमने देखा था कि धन्य लोग वे लोग कौन है. द ब्लेस्ड वंस इन द साइट ऑफ गॉड. और धन्य लोग जो परमेश्वर के दृष्टि में है. द फर्स्ट ऑफ दीज ब्लेस्ड वंस सेज ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड. धन्य वे लोग हैं जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. एंड द लास्ट ऑफ दिस बीएटीट्यूड वी जस्ट मेडिटेटेड ऑन थर्सडे. और इसका जो पिछला जो बृहस्पतिवार को हमने देखा था वो धन्य वे है जो मेल कराने वाले हैं. ब्लेस्ड आर द पीसमेकर्स. जो मेल कराने वाले लोग हैं. फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे. But from verse 10 onward, लेकिन दसवें पद से अगर हम देखें, we are on a different ground. हम अलग एक विषय को देख रहे हैं. Here also people who are involved, they are also called blessed. और यहाँ भी लोगों को धन्य कहा गया है. So let us read this passage. तो आइए हम इस भाग को पढ़ें. Verses 10, 11 and 12. 10, 11 और 12 पद. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. And blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले से थे इसी रीति से सताया था. Verses 10 to 12, Jesus in his sermon is dealing with the sufferers for Christ. और 10 से 12 पद में हम देखते हैं पर यीशु मसीह उन लोगों के विषय में बता रहे हैं जो यीशु मसीह के कारण कष्ट उठाते हैं. So the next few meditation will be on this. So, अगले कुछ मनन हम इसके ऊपर देखेंगे. It says, blessed are those who are persecuted. और धन्य वे लोग हैं जो सताए जाते हैं. Persecute, what does that word mean? और इस शब्द का अर्थ क्या है सताया जाना. Literally, it means being pursued. और वास्तव में इसका अर्थ अगर देखा जाए तो ये है कि पीछे पीछा किया जाना. Follow after. किसी का पीछा करना. As one does a flying enemy. और जैसे एक व्यक्ति अपने शत्रु का पीछा करता है. Here it means to vex or oppress or chase the way. और यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि किसी को किसी का पीछे इतना पड़ना कि उसको दूर भगाना. Or driven out on account of one's faith in Christ. और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के कारण किसी को बाहर करना. For righteousness' sake. धार्मिकता के कारण.
In 1 Peter chapter 3 verse 14, Apostle Peter says, पहला पत्रस तीसरे अध्याय के 14 पद में पत्रस इस बात को कहता है, But even if you suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. और सही बातों के कारण अगर तुम सताए जाते हो तो फिर डरो मत. And then there is another word used. और फिर एक और शब्द इस्तेमाल किया गया revile. है कि घृणा. That means reproach. कि इस और इसका अर्थ यही है कि किसी व्यक्ति का विरोध करना. And reproach you and call you by evil names. और विरोध करके बुरे बुरे बातों को करना. Ridicule you. और मजाक कर उठाना. बिकॉज यू आर क्रिश्चियन. और क्योंकि आप मसीही हैं. नाउ वी आर नॉट टू प्रोवोक इट पर्पसली. और फ्रॉम आवर साइड वी डोंट प्रोवोक एनीबॉडी टू डू दिस अगेंस्ट अस. और ऐसा नहीं है कि हम अपने तरफ से उनको उत्तेजित करते हैं इस काम को करने के लिए. नाउ वी कैन प्रोवोक समबडी टू डू ऑल दिस थिंग to us by strange ways of conduct. हाँ, ये सही है कि हम लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं अगर हम अजीब तरीके से जिएंगे. Or by violating civil laws. या फिर सांसारिक जो नियम है उसको तोड़ के. But लेकिन. And listen to this very carefully. बहुत ध्यान से सुने. If in the honest and sincere efforts to be Christians. अगर सच्चे मन से और सच्चे कोशिशों से हम मसीही बनना चाहते हैं. And live the life of Christians under the guidance of the Holy Spirit. और मसीही जीवन को व्यतीत करना पवित्र आत्मा के नियंत्रण में. Others will persecute you and revile you. So फिर दूसरे लोग जो है हमें सताएंगे और विरोध करेंगे. What are you to do then? तो फिर आपको क्या करना है? Jesus says here, you are to consider it as a blessing. यीशु यहाँ कहता है कि उसको एक आशीष के रूप में देखो. It is an evidence that we are God's children. ये एक सबूत है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं. Remember, believers changed lifestyle is a rebuke to the sinful lifestyle of unbelievers. और याद रखे, एक विश्वासी का जो नया जीवन वो प्राप्त करता है वो एक तरह से विरोध करना है सांसारिक लोगों का. This causes unbelievers to react against believers. और इससे परिणाम यही होता है कि अविश्वासी लोग या सांसारिक लोग विश्वासियों के प्रति वो विरोध करते हैं. Now, of course, the natural reaction of believers is to defend themselves. अब स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो विश्वासी का होता है वो यही है कि अपना बचाव करना. But the best way is, लेकिन सबसे उत्तम तरीका यही है, let our godly lifestyle speaks. कि होने पाए कि हमारा जो आत्मिक और स्वर्गीय जो जीवन है वो बोलने पाए. And when we do that, और जब हम ऐसा करेंगे, God himself will be our defense. So फिर परमेश्वर स्वयं ही हमारा बचाव करेगा. We don't have to defend ourselves. हमें अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है. As the saying goes, और जैसे कहावत कहता है, life speaks louder than words. कि हमारा जीवन जो है वो शब्दों से और ऊंचा बोलता है. That is true. ये सत्य है. And their words against the believers, और विश्वासियों के प्रति उनके जो शब्द हैं, and the way they persecute believers, और जिस प्रकार वो विश्वासियों को सताते हैं, the world will know it somehow. किसी प्रकार संसार इस बात को जानने पाएगी. By watching your life, also watching their life. आपके जीवन को देखते हुए और उनके स्वयं के जीवन को देखते Then हुए, they will be convinced. तब वो इस निश्चय पर आएंगे. Who? The world will be convinced. कौन? जो सांसारिक लोग हैं वो इस निश्चय पर आएंगे. That the reason the Christians are persecuted. कि जिस कारण मसीहों को सताया जाता है. And ridiculed. और विरोध किया जाता है. Are all on account of Jesus. ये सब यीशु मसीह का के कारण से है. He is the one
they are rejecting. यीशु मसीह ही है जिनका वो तिरस्कार कर रहे हैं. He is the one they hate. यीशु मसीह ही है जिससे वो बैर रखते हैं. And thus Christians have the blessed privilege of sharing in Christ's suffering. और इस प्रकार मसीहों का ये सौभाग्य हो जाता है कि वो यीशु मसीह के दुख उठाने में सहभागी बने. Now we must understand. अब हमें समझना है. We who claim to be followers of Christ. हम जो दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं. We must share the entire life and its experiences with Jesus Christ. हमें अपने संपूर्ण जीवन और अनुभवों को यीशु मसीह के साथ बांटना है. That means. इसका अर्थ ये है. Whatever Jesus has gone through. जिन बातों से यीशु मसीह गुजरे हैं, we must be willing to go through. हमें भी तैयार रहना है उन बातों से गुजरना. And that means. और इसका अर्थ यही है. Sufferings as well. दुख उठाना. And of course, none of us can equal the suffering that Jesus went through. हाँ, ये सत्य है कि हमें से कोई भी उतना दुख नहीं उठाता है जितना यीशु मसीह उठाए हैं. But whatever persecution or ridicule we suffer because of our faith as Christian. लेकिन जितना भी सताव या विरोध हम सामना करते हैं अपने विश्वास के कारण, in a way we are having fellowship with Jesus in his suffering. एक प्रकार से हम यीशु मसीह के साथ सहभागी बन रहे हैं उनके दुखों में. Is it not a joy? क्या ये आनंद की बात नहीं है? And let us not draw ourselves back. और आइए हम अपने आप को पीछे ना हटाएं. But if we are persecuted, अगर हमें सताया जाता है, we are opposed, अगर हमारा विरोध किया जाता है, laughed at and ridiculed, अगर हमारा मजाक उठाया जाता है, let us not be afraid of them, तो फिर हम उनसे डरे नहीं. Let us not be ashamed of them, हम लज्जाए नहीं. But let us gladly endure it, लेकिन आनंद के साथ हम उससे गुजरे. Because it is not we they are rejecting and hating. क्योंकि ये हम नहीं है जिसका वो विरोध कर रहे हैं या तिरस्कार कर रहे हैं. It is the Christ in us. ये वो यीशु मसीह जो हमारे अंदर है उसका विरोध कर रहे हैं. So our joy is this. So हमारा आनंद यही है. We are participating in the sufferings of Christ. हम यीशु मसीह के दुखों में सहभागी हैं. So may the Lord bless you. So परमेश्वर आप सबो को आशीष दे. If some of you who are listening to me, you are going through some of these experiences. और आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे अनुभव से गुजर रहे हैं, Jesus said. यीशु ने कहा. In response to this. और इसके प्रति उत्तर में. You rejoice. कि तुम आनंदित हो जाओ. That is the response. और यही वो प्रतिउत्तर है. Not defending ourselves. अपने आप का बचाव नहीं करना. Not hating those who are persecuting us. उनसे बैर नहीं रखना जो हमें सता रहे हैं. But rejoicing in. लेकिन हम आनंदित हो जाएं. And giving thanks to God for the privilege of suffering for Christ. और यीशु को धन्यवाद दे उस सौभाग्य के लिए कि हम उसके दुख में सहभागी हैं. That's what the disciples did. और यही काम चेलों ने किया. And that's what hundreds and thousands and millions of Christians throughout the ages have done because of persecution. और यही काम सैकड़ों हजारों और लाखों मसीहों ने अलग अलग युग में इन सब से गुजरे हैं. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And have a great day today. और एक अच्छे दिन को बिताएं. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we need your grace. हमें आपकी अनुग्रह की आवश्यकता है. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. That we may be strong. कि हम ताकतवर हो. And that we shall not be afraid of persecution or opposition. कि हम सताव या विरोध से हम डरे ना. But we shall be bold. लेकिन हम हिम्मत को पाएंगे. And courageous. और हियाव को पाएंगे. At the same time, rejoicing in you. और उसी समय आप में आनंदित बने रहेंगे. Because we have the privilege of sharing with Jesus his suffering. क्योंकि हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम यीशु मसीह के दुख में हम सहभागी बने. Bless your people today. अपने लोगों को आशीषित करें. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. एक अच्छा दिन बिताएं.